चलिए नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के बुक लिस्ट के बारे में। एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि किस बुक से क्या पढ़ा जाए। 10 यूनिट यहाँ पर हमें कवर करना है, अलग अलग यहाँ पर विषय है हमारे पास। यूनिट वाइज आपको यहाँ पर नंबर का आवंटन किया गया है कि 10 नंबर की एक यूनिट रहेगी, यानी 10 यूनिट यानी 100 नंबर का पेपर होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न स्टूडेंट्स के बीच में या चाहे जो नए एस्पिरेंट हैं उनके बीच में ये रहता है कि बुक लिस्ट का चयन कैसे किया जाए। तो यहाँ पर हमने बुक लिस्ट यूनिट वाइज दो कैटेगरी में बांटी, एक न्यू स्टूडेंट के लिए एंड ओल्ड स्टूडेंट के लिए। ओल्ड स्टूडेंट्स यानी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको प्रिपरेशन करते हुए एक दो साल हो गए हैं, जिनको बेसिक बेसिक चीज़ें सब कुछ लगभग उन्होंने पढ़ लिया है, उनके लिए उन्हें क्या करना है। हो सकता है अगर उन्हें किसी भी प्रकार की बुक का डाउट, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बुक लिस्ट के लिए ज़रूर आए हैं और उसी बुक लिस्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। कोई सा विषय आपका छूट ना जाए, इसीलिए हम यहाँ पर एक एक यूनिट की बात करेंगे। चलिए, यहाँ पर दो कैटेगरी बांटी हुई है, न्यू स्टूडेंट एंड ओल्ड स्टूडेंट। पहली बात, एक बुक में दोनों स्टूडेंट्स के लिए बता दूँ, वो है ल्यूसेंट। बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा या सारे टीचर्स बोलते ही हैं कि आपको ल्यूसेंट पढ़ना अनिवार्य है। मैं भी इस वीडियो में यही बोलूँगा कि आपको ल्यूसेंट पढ़ना बहुत ज़्यादा ही अनिवार्य है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण फैक्ट का एक कलेक्शन दिया गया है। चाहे कोई सा भी विषय हो, सभी विषय उसमें समाहित किए गए हैं। यहाँ से कंप्यूटर ले लीजिए, विज्ञान हो गया, हमारा इतिहास, भूगोल, सब कुछ कवर किया गया है, मध्य प्रदेश को छोड़ दिया जाए। तो ल्यूसेंट की बुक आपको पढ़ना है। अब ल्यूसेंट की बुक आप 10 दिन 15 दिन में एक बार आप रिवाइज, बीच में एक एक महीने में आपको क्या करना है, रिवाइज 2 से 3 4 बार पढ़ लेना है एग्ज़ाम तक। तो ल्यूसेंट की बुक अपने क्या हो गई, हमारे लिए हेल्पर हो गई कि हमें ये तो पढ़ना ही है, फिक्स है। चलिए अब बात करते हैं यूनिट वन से। यहाँ पर यूनिट वन में देखिए मध्य प्रदेश का इतिहास, यूनिट थ्री है मध्य प्रदेश का भूगोल, एवं यूनिट फाइव है राज्य का संविधान और अर्थव्यवस्था। यानी तीनों यूनिट कहाँ की, हमारी मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के लिए एक बुक मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको स्पेशली पढ़ना है। जो अब न्यू स्टूडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और ओल्ड स्टूडेंट दोनों के लिए मैं लिख देता हूँ क्या करना है। न्यू स्टूडेंट के लिए क्या करना है, आपको परीक्षा धाम पढ़ना है। बेहतरीन बुक है परीक्षा धाम, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश का भूगोल और मध्य प्रदेश के संविधान, यानी परीक्षा धाम यहाँ पर भी लिख दिया मैंने, मैं यहाँ पर भी लिख रहा हूँ परीक्षा धाम, और यहाँ पर भी लिख रहा हूँ मैं यूनिट नंबर 5 में परीक्षा धाम, क्योंकि तीनों ही यूनिट मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश में यही बुक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बनने वाली है। ओल्ड स्टूडेंट्स क्या है, जो बुक पहले पढ़ रहे थे, जो उन्होंने पिछली एग्ज़ाम के लिए एक दो साल से जो पढ़ रहे हैं, पुणे कर पढ़ने वाले पुणे कर पढ़ेंगे, माहेश्वरी पढ़ने वाले मुकेश माहेश्वरी पढ़ेंगे, महेश कुमार वर्णवाल पढ़ने वाले महेश कुमार वर्णवाल पढ़ेंगे, कोचिंग के नोट्स पढ़ने वाले कोचिंग के नोट्स ही पढ़ेंगे, आपको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइम वेस्ट ना करिए, किताब बदलना यानी कहीं ना कहीं आपको अपने आप को दुविधा में डालने जैसा काम है, किताब मत बदलना। जो भी ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनसे निवेदन है, किताब बदलने की कोशिश बिल्कुल ना करें, जो किताब से आप पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है। तो ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए क्या है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ओल्ड बुक एमपी की, तो वही की वही बुक आपको पढ़ना है। यहाँ पर भी आपकी ओल्ड बुक हो जाएगी, यहाँ पर भी आपकी ओल्ड बुक हो जाएगी। इसमें आपको बदलाव एमपी में किसी प्रकार का बदलाव नहीं करना है। चलिए भारतीय इतिहास की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भारत का इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें या तो आपके किताब से ही ऑब्जेक्टिव बन जाएंगे या आपसे नहीं बनेंगे, क्योंकि यहाँ पर इतिहास पूछा जाएगा या सिंपल लेवल का पूछा जाएगा या लो लेवल का पूछा जाएगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए क्या करना है, जो ल्यूसेंट की किताब है उसको अच्छे से कवर अप करना है। ल्यूसेंट की ही किताब में से आपको इतिहास को पढ़ना है, इसके अलावा आपको इतिहास कहीं से नहीं पढ़ना है। जो नए स्टूडेंट्स बिल्कुल नए हैं, जो 2 महीने 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, जिनको एग्ज़ाम देना है, डायरेक्ट ल्यूसेंट से आपको इतिहास कवर करना है। यहाँ पर ज़्यादा कुछ बड़ी किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए अगर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो महेश कुमार वर्णवाल की इतिहास की बेहतरीन बुक एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए काफ़ी शानदार बुक है, जिसे मैंने देखा है। महेश कुमार वर्णवाल की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत ही शानदार और बेहतरीन बुक यहाँ पर मानी गई है। उनकी अगर आप किताब पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा इतिहास आपका हो जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट्स अगर एक्स्ट्रा में पढ़ना चाहे तो, क्योंकि ये जितने भी ओल्ड स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ इनके लिए, क्योंकि वो तो एक एक किताब तो कोई से पढ़ ही रहे हैं, चाहे कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं चाहे अदर की पढ़ रहे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं इतिहास भारतीय इतिहास से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर आप कन्फ्यूज़न है कि मैं कौन सी किताब पढ़ता, महेश कुमार वर्णवाल को प्रीफर कर सकते हैं। बात करते हैं यूनिट नंबर 4 भारत एवं विश्व का भूगोल। पुराने स्टूडेंट्स के लिए ल्यूसेंट बेहतरीन, एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ भारत एवं विश्व भूगोल का ल्यूसेंट से बाहर नहीं जाएगा। ओल्ड स्टूडेंट्स जो दूसरी किताब से पढ़ रहे हैं, जिनको कन्फ्यूज़न है क्या पढ़े, तो वो भी ल्यूसेंट को यहाँ पर दे सकते हैं, पुराने पेपर उठाकर देख सकते हैं। जो भूगोल है आपका भारत एवं विश्व भूगोल, काफ़ी शानदार ल्यूसेंट बुक में आपको दिया गया है, 1x1 फैक्ट डेफिनेशन के साथ दिए गए हैं।
मेरे हिसाब से तो आपको लूसेंट के अलावा चाहे ओल्ड स्टूडेंट्स हो चाहे न्यू स्टूडेंट हो, अगर एमपीपीएससी प्रीलिम्स की आप स्पेशल प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको अलग से किताब पढ़ने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसमें मैं गारंटी देता हूँ लूसेंट अगर आप पढ़ते हैं तो। चलिए फिफ्थ यूनिट हमारी कंप्लीट हो गई है दोनों के लिए, मध्य प्रदेश की बात आती है, भारतीय संविधान की बात करते हैं। भारतीय संविधान में ओल्ड स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स लक्ष्मीकांत से अगर पढ़ रहे हैं तो अच्छी बात है। अब देखिए आप अगर यूनिट सिक्स की बात करेंगे तो आप सिलेबस उठा के देखिए, मेरे सामने तो सिलेबस है, आप देख सकते हैं सिलेबस में भारत का संविधान एवं शासन प्रणाली में। अब कुछ कुछ लक्ष्मीकांत अगर पुराने स्टूडेंट के पास बुक है तो कुछ कुछ यूनिट, आपको सारे के सारे यूनिट उसमें से नहीं पढ़ना है वरना बहुत लेंदी बुक है, लेकिन कुछ यूनिट के टॉपिक आप उससे उठा के पढ़ सकते हैं। जैसे भारत शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 आपको लक्ष्मीकांत से कवर करना चाहिए मेरी एडवाइस से। दूसरी चीज़ है आपको संविधान सभा, जो सेकंड टॉपिक है आपका यूनिट सिक्स का, वो आपको लक्ष्मीकांत से पढ़ना चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या ये छोटे छोटे टॉपिक हैं और वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, लक्ष्मीकांत आपको बिल्कुल सपोर्ट करेगा। चलिए ऑथेंटिक बुक की बात करते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं यूनिट सिक्स भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था के लिए हम कौन सी किताब, अगर आप बड़े ही कन्फ्यूजन में कौन सी किताब पढ़े तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस देने वाला हूँ महेश कुमार वर्णवाल। ये बुक आप स्पेशली भारतीय संविधान के लिए पढ़ सकते हैं, 1-1 टॉपिक यहाँ पर कवर करवा गए हैं, साथ ही चार्ट के साथ आपको 1-1 टॉपिक समझाए गए हैं। आप पुराने पेपर उठा कर देखेंगे तो आप देखने को मिलेगा आपको कि कैसे कैसे आपको क्वेश्चन आए हैं, जैसे अधिकतर क्वेश्चन आते हैं राष्ट्रपति प्रधानमंत्री वगैरह से जुड़े हुए आते हैं, संविधान संशोधन से आते हैं, संविधान में अनुच्छेद से संबंधित आते हैं, तो सारे के सारे की सब कुछ की पॉइंट यहाँ पर कवर किए गए हैं महेश कुमार वर्णवाल में। ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए मैं बात करूँ, अगर वो लक्ष्मीकांत की जो बुक पढ़ रहे हैं वो तो लक्ष्मीकांत में से बहुत सारे टॉपिक कवर कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको भी एक ऑथेंटिक बुक की अगर जरूरत है वो महेश कुमार वर्णवाल का सपोर्ट ले सकते हैं, बहुत ही शानदार एवं बेहतरीन किताब है महेश कुमार वर्णवाल। यूनिट सेवन की ओर बढ़ते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न, सबसे बड़ी समस्या कि कौन सा विषय पढ़ें, तो यहाँ पर विज्ञान एवं पर्यावरण के लिए मैं आपको एक स्पेशल किताब बता दूँ, चाहे आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, एक एमपी स्पेशल साइंस के लिए लूसेंट की किताब अलग से आती है। जो मैंने ये लूसेंट बताई है ये जीके की लूसेंट बताई है जिसमें ओवरऑल जीके कवर किया गया है, जैसे ये लूसेंट लूसेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं जब विज्ञान की बात करूँगा तो स्पेशल लूसेंट की किताब आती है विज्ञान के लिए, स्पेशली लूसेंट सिर्फ विज्ञान की होती है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होता है। ओल्ड स्टूडेंट्स बिल्कुल लूसेंट ही पढ़ेंगे, बेहतरीन किताब, इसके अलावा किसी किताब को पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पुरानी किताब अगर आप इसे पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वहाँ से आप कवर अप कर सकते हैं। पर्यावरण की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए विज्ञान एवं पर्यावरण यूनिट नंबर 7 है, बहुत कन्फ्यूजन यूनिट, सबसे बड़ी कन्फ्यूजन अगर 10 यूनिट में से है तो यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर होती है। कारण क्या है, विज्ञान का आना और आपका बैकग्राउंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स का आर्ट हो सकता है, किसी का कॉमर्स हो सकता है, किसी का अलग अलग बैकग्राउंड हो सकता है, कोई एग्रीकल्चर वाला हो सकता है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या विज्ञान की रहती है कि क्या पढ़े। तो विज्ञान में एक तो मैंने आपको लूसेंट बता दिया, यहाँ से आपके लगभग बहुत सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। विज्ञान में आप यहाँ पर देखिए क्या क्या कवर कर लेंगे, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पर्यावरण। पर्यावरण की एक दो यूनिट है उसमें पारिस्थितिकी तंत्र करके, पर्यावरण एवं जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र, ये आप यहाँ से लूसेंट से कवर कर सकते हैं। अब 2-3 यूनिट ऐसी है जो विज्ञान एवं पर्यावरण की किताब से आप कवर नहीं कर पाएंगे, और वो कौन सी है, वो है खाद्य प्रसंस्करण। देखिए अगर आप किताब के बारे में पढ़ रहे हैं तो मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, सिलेबस आप सामने रखिए, यूनिट 7 आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप एक देख रहे होंगे खाद्य प्रसंस्करण, कृषि उत्पाद तकनीक, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन। तो देखिए जो प्रदूषण वाली यूनिट है वो आपकी कहाँ से कवर होगी, आपकी यहाँ से होगी भारत के भूगोल में से, सॉरी माफी चाहूँगा, यूनिट 4 भारत का भूगोल में। यहाँ पर लूसेंट मैंने जो किताब बताई है आपको स्पेशली, जो दोनों ही के लिए बताई है, उसमें आपको प्रदूषण वाला जो जीके वाली किताब है उसमें प्रदूषण वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा, इसमें भी आपको प्रदूषण वाला टॉपिक विज्ञान वाले में भी आपको दोनों में ही वो ऐड करके दिया गया है। अब बची बात खाद्य प्रसंस्करण की, तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए आप या तो डायरेक्टली आप गूगल का सहारा लीजिए, छोटी मोटी बातें खाद्य प्रसंस्करण से आपको समझना है। कृषि उत्पाद तकनीक की अगर बात की जाए तो कृषि उत्पाद तकनीक आपको लूसेंट जो स्पेशली विज्ञान वाले ला रहे हैं इसी में एक टॉपिक है कृषि का, वहाँ से आपको कवर हो जाएगी। प्रदूषण भी वहाँ से कवर हो जाएगा। प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन की अगर बात करते हैं तो वो भूगोल वाले यूनिट में से आपकी कवर हो जाएगी, जो आप भारत में विश्व का भूगोल पढ़ेंगे वहाँ पर प्राकृतिक आपदा के बारे में जरूर पढ़ेंगे। तो विज्ञान में यूनिट 7 स्पेशली लूसेंट की आती है, आप कवर कर सकते हैं। चलिए यूनिट नंबर 8 अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर की बात हो रही है। सबसे बड़ा मुद्दा एक और कि करंट अफेयर कहाँ से पढ़े। करंट अफेयर दो होते हैं, एक होता है मध्य प्रदेश का करंट अफेयर, एक होता है इंडिया लेवल का करंट अफेयर।
एक होता है इंटरनेशनल का, तो इंटरनेशनल का करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं, इंटरनेशनल का करंट अफेयर आप वही पढ़ेंगे जिसमें इंडिया सम्मिलित हुआ हो, यानी इंडिया का जहाँ रिलेशन इंटरनेशनल से बताया गया, जैसे अभी G20 शिखर सम्मेलन चल रहा है भारत में, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनेशनल इंडिया दोनों का करंट अफेयर बन सकता है यहाँ से। तो यहीं से आपका यूनिट क्या करना है, मैनेज करना है। तो इंडिया के लिए आपको पढ़ना है स्पीडी, न्यू हो चाहे ओल्ड हो, जो भी स्टूडेंट हो, स्पीडी से आपको कवर करना है। स्पीडी से आप क्या पढ़ेंगे, स्पीडी से आपको पूरी की पूरी स्पीडी नहीं पढ़ना है, खास खास आप टॉपिक पढ़ेंगे इसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे करंट में क्या पढ़ना है। एमपी की बात करती है तो एमपी में बहुत सारी बुक चलती हैं, अलग अलग कोचिंग्स की भी चलती हैं यहाँ पर। तो मैं आपको बता दूँ स्पेशली आपको किताब कौन सी पढ़नी है, करके आती है निर्माण आईएएस की किताब बिल्कुल मिलेगी आपको मार्केट में, जब भी एमपीपीएससी की एग्ज़ाम आती है तो निर्माण आईएएस की आपको बुक देखने को मिलेगी। अगर ये नहीं मिलती है तो दूसरी कोई से बुक पढ़ सकते हैं। यहाँ से आपको एमपी की करंट तैयार करना है, एमपी के करंट में आपको स्पेशल स्पोर्ट्स के बारे में तैयार करना है, किसी योजना के बारे में तैयार करना है, जैसे वर्तमान में मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चल रही है, क्वेश्चन आने के चांस बन जाते हैं। पिछली बार क्वेश्चन आ चुका है, अगली बार कुछ और क्वेश्चन आ जाएगा ऐसे ही कोई सी योजना वगैरह निकलती है। तो यूनिट नंबर 9 टेक्नोलॉजी की हम बात करेंगे और यूनिट नंबर 10 आयोग की हम बात करेंगे। देखिए पुराने स्टूडेंट्स जो हैं जिनके पास लक्ष्मीकांत की बुक है संविधान की, उसमें लगभग सारे के सारे आयोग आपको कवर किए गए। अगर आपके पास लक्ष्मीकांत की बुक है तो आपको आयोग को कहीं से भी नहीं पढ़ना है, उसी बुक से आपको पढ़ना है। दूसरी बात, जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए मैंने यहाँ पर संविधान की एक किताब बताई है, आप देख सकते हैं कहाँ पर है, यूनिट नंबर 6 में मैंने महेश कुमार वर्णवाल, वहीं पर आपके आयोग क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे यूनिट नंबर 6 में। संविधान की ही किताब का एक पार्ट है ये आयोग, यूनिट नंबर 10 जो है वो यूनिट 6 जो संविधान उसी का एक पार्ट है आयोग, तो वहीं से आपकी यूनिट कवर होगी। एक दो आयोग आपको उससे कवर नहीं होंगे तो आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, किसी कोचिंग के नोट्स का सहारा ले सकते हैं, लेकिन लगभग अधिक से अधिक आपको आयोग यहाँ पर कवर कराए गए हैं। मध्य प्रदेश के आयोग मध्य प्रदेश की किताब से कवर होंगे, भारत के आयोग भारत की किताब से कवर हो जाएंगे, आपके संविधान की किताब में आपको लगभग सब मिल जाएगा आयोग की पूरी यूनिट। फिर भी अगर आपको चाहिए कि मैं इससे ना पढ़ूँ तो आप, बहुत सारी बुक्स मार्केट में आ चुकी है अब, तो आयोग के लिए जो स्पेशली आयोग के नोट्स अवेलेबल कर रहे हैं उनसे आप पढ़ सकते हैं। यूनिट नंबर 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, देखिए सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और कन्फ्यूजेबल टॉपिक ये भी है, लेकिन इसकी कोई बेहतरीन सी बुक अभी अगर बोला जाए तो बहुत सारी मार्केट में ऐसे ही घूम रही है, ठीक है। बहुत सारी बुक आपको सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित मिल जाएगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन इसको करने जाओगे एमपीपीएससी में तो आउट ऑफ सिलेबस लगता है, क्योंकि हमने पढ़ी रखा है, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का। तो मैं यहाँ पर कुछ बता देता हूँ ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए, बता देता हूँ, अगर आपके पास मंथन की किताब रखी हो कंप्यूटर की, जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास अगर मंथन की किताब हो तो वहाँ से आप कुछ कुछ टॉपिक कवर कर सकते हैं, जैसे इंटरनेट हो गया, ई कॉमर्स हो गया, ई गवर्नेंस वगैरह हो गया, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य मुख्य विषय हैं, रोबोटिक्स हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, इलेक्ट्रॉनिक, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, तो उसके लिए किताब आती है, आप पुणेकर का सहारा ले सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं मार्केट में क्या महावीर पब्लिकेशन अवेलेबल है, दोनों में से आप किसी भी बुक को आप प्रीफर यहाँ पर कर सकते हैं, दोनों ही किताब सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए बेस्ट रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मुख्य मुख्य बिंदु से संबंधित जब प्रश्न आएंगे तो आप यहाँ से हमारे बन जाएंगे, लेकिन जब टफ लेवल का आएगा तो किसी से नहीं बनेगा। मंथन की किताब में बहुत सारे टॉपिक आपके सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कवर कराए गए हैं यहाँ पर, इंटरनेट वगैरह, तो आप मंथन की किताब अगर आपके पास रखी है पुराने स्टूडेंट के पास तो वो पढ़ सकते हैं, और अगर किताब लाने की सोच रहे हैं तो फिर आप मंथन ना लाते हुए इनमें से कोई सी किताब लाए जिसमें सारे के सारे टॉपिक आपके कवर हैं, बिल्कुल कवर हैं यहाँ पर, सारे के सारे टॉपिक कवर कराए गए हैं। तो यहाँ पर 10 के 10 यूनिट की बात हमने यहाँ पर की है, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर गया है, लेकिन सभी किताब मैंने एक एक करके बताई है। फिर भी अगर आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम अगर होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, किसी स्टूडेंट का सहारा ले सकते हैं, किसी दोस्तों यारों का सहारा ले सकते हैं, किसी टीचर का सहारा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यही की ये किताब पढ़नी है, लेकिन महत्वपूर्ण किताब की बात की जाए तो आपको सिलेबस अगर कवर करने की बात की जाए और आपको समझ में नहीं आया तो आप इन किताब का सहारा ले सकते हैं।